सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन ज्ञान बर्नर यूट्यूब चैनल। दिस वन इज बजाज पल्सर एन। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन ज्ञान बर्नर यूट्यूब चैनल। दिस वन इज बजाज पल्सर N160। इस N250 के लोगों को इग्नोर करना, बिकॉज दिस वन इज ओनली N160, नॉन N250। बाकी आगे जाके मैं वीडियो में आपको अच्छे से बताऊँ कि इस N250 के लोगों का क्या रीजन है, क्या नहीं। बाकी हाँ, ये जो बाइक है वो है N160, नॉट N250। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बजाज पल्सर N160 के 1 year and 3 month ओनरशिप के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर खुद ने ऑन किया है। और अभी तक मैंने इस बाइक को 25,000 प्लस किलोमीटर है वो चला ली है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से एक ब्रीफ रिव्यू है मैं दे सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने इस बाइक के साथ में कैसा एक्सपीरियंस है वो लिया है। वेल, आज की इस वीडियो में यहाँ पर 3 पॉइंट पे बात करूँगा। पहला कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्या कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है। सेकंड है कि एक्सीडेंट के बाद में मैंने यहाँ पर इसके अंदर क्या कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, फिर क्या कुछ इश्यूज मेरे को यहाँ पर फेस करने पड़े हैं। थर्ड, यहाँ पर मैंने क्या कुछ है वो इश्यूज या देखे हैं या फिर फील किए हैं खुद ने, या फिर मेरे जो जितने भी यहाँ पर वीडियो के साथ में कनेक्ट हुए लोग, उन सब लोगों ने क्या कुछ इश्यूज जो है वो फेस किए हैं इसी बजाज पल्सर N160 के साथ में। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस पल्सर N160। ओके, सो यहाँ पर 3 पॉइंट मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक, यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन क्या करवाया है। सेकंड, मैंने यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस क्या कुछ करवाए हैं, फिर न्यू क्या कुछ डलवाया है आफ्टर एक्सीडेंट। एंड थर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो क्या कुछ इश्यूज फेस किए हैं। तो ब्रीफली यहाँ पर एक एक करके बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके अंदर मॉडिफिकेशन के बारे में। वेल, जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं या फिर जो यहाँ पर यूज़र मेरे साथ कनेक्टेड है मेरे प्रीवियस वीडियो से, जितने भी यहाँ पर मैंने पल्सर N160 से रिलेटेड डाले हैं, ऑल्दो अराउंड 3 से 4 वीडियो मैंने यहाँ पर पल्सर N160 के लिए है वो डाल दिए हैं। तो उन सब में अगर आपने देखा तो मैंने व्हील कवर वो पहले नहीं इंस्टॉल कर रखा था, बट अभी रिसेंटली मैंने जो है वो व्हील कवर इंस्टॉल किया है। ये व्हील कवर जो है फर्स्ट मॉडिफिकेशन है। इससे पहले मैंने इसके अंदर जो है वो फुल व्हील कवर अब इंस्टॉल किए थे, बट उसमें दिक्कत थी कि एक तो बाइक की जो टॉप एंड है वो थोड़ी डाउन हो गई, सेकेंड यहाँ पर माइलेज है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर उनको हटा के जो ये हाफ फेयरिंग वाले जो व्हील कवर है वो मैंने लगवाए हैं, और इनकी वजह से लुक भी काफ़ी इनहेंस हुआ है, क्योंकि इसका जो डिस्क साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। सो दैट्स वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लगता है कि मैंने यहाँ पर फ्रंट में और रियर में दोनों साइड में लगवाए हैं। और ये मेरे के जो कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को वो अराउंड 450 या फिर 550 के आसपास पड़ी थी, जो कि डेफिनेटली मतलब मेरे ख्याल में अच्छा है, प्राइसिंग भी अच्छी है। तो ये तो रहा पहला मॉडिफिकेशन। सेकंड यहाँ पर है ये पल्सर N160 का रेडिएटर गार्ड, जो कि ओरिजिनल है, और ये भी मेरे को अराउंड 250 या फिर 300 के आसपास पड़ा था। तो बाकी हाँ, जो रेडिएटर गार्ड है उसको लगाने का रीज़न था कि इसके अंदर जो पाइपें हैं या फिर जो एक तरीके से ऑयल सर्कुलेट के लिए जो बिल्कुल यहाँ पर पतली पतली पाइपें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये लगाया है। थर्ड जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन है वो इसकी आइज़। बाकी जितने भी मेरे यूज़र्स या फिर जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पहले भी मेरी बाइक को देखा है, उनको अच्छे से पता है कि जो बाइक की आइज़ है वो पहले रेड कलर में, यानी कि रेड तो थी जैसे कि अभी है, बट वो थोड़ी सर्कुलर टाइप में थी। तो आपको मैं एक तरीके से वो थोड़ा यहाँ पर रेफरेंस के लिए जो है वो मैं एक पिक्चर ऐड कर लूँगा, तो आप उनसे कंपेयर कर लेना। बाकी मेरे को वो ज़्यादा अच्छी लगती थी इसकी बजाय, हो सकता कि मैं फ्यूचर में जाके वही वापस इंस्टॉल करूँ, फिर वही डिज़ाइन है वापस इसके अंदर रिक्रिएट करूँ, क्योंकि वो मेरा खुद का डिज़ाइन था। तो ये मैंने यहाँ पर लेमिनेशन वाले के थ्रू है वो करवाई थी। बाकी जितना यार अच्छा है, ऐसा नहीं कि ख़राब लग रहा है, बट हाँ ये जो आइस है वो उसके मुकाबले उतनी अच्छी नहीं लग रही, बट जो फर्स्ट टाइम इसको देखेगा उसको डेफिनेटली यार ये वाली जो आँखें हैं वो काफ़ी प्यारी लगेगी। बाकी जो इसके साथ स्टॉक वाली भी है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा जो सबसे मेजर जो मैंने यहाँ पर मॉडिफिकेशन करवाया है वो है ये टायर। अब जिन लोगों ने इस बाइक को ऑन किया है या फिर जो भी इस बाइक को लेने का सोच रहे हैं, उनको एक चीज़ तो अच्छे से पता होगी कि जिसके साथ में जो टायर आता है वो 130 सेक्शन का आता है, बट अभी हाल फिलहाल में मैंने रिसेंटली जो है वो इसके अंदर टायर चेंज करवाया था, और आपको मैं अगर दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप 150/70R17 का जो है वो मैंने इसके अंदर टायर इंस्टॉल करवाया, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा और कूल लुक देते हैं इसको। और इस टायर की वजह से जो है वो एक्चुअल में N250 भी लगती है ये बाइक। हालांकि देखो जो 160 है इसके साथ में जो बाई डिफॉल्ट जो टायर आता है वो आता है 130mm का, तो उसमें जो बाइक है वो काफ़ी अच्छी माइलेज भी देगी आपको, टॉप एंड भी अच्छा देगी, बट जैसे ही आप मान लो टायर चेंज करवाते हो तो उसमें आपको दोनों में डाउन ड्रॉप देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पर एक तो एवरेज के अंदर उसमें डेफिनेटली यार 10 से 15 का माइलेज का फ़र्क है वो आ जाता है। सेकंड जो है वो इसके अंदर जो है आपको टॉप एंड स्पीड है उसमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा, इसमें थोड़ी कम है उसमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी।
तो ये कुछ जो मेजर जो मैंने है वो करवाए हैं। इसके अलावा जो लेमिनेशन आप देख सकते हो, ये वाला लेमिनेशन है वो ब्लैक कलर का है, जो कि मेरे ख्याल में पांचवा मेरे इसके अंदर है वो मॉडिफिकेशन करवाया है। अब ब्लैक लेमिनेशन करवाने की वजह से जो है वो सारे स्टिकर वगैरह वो कवर हो गए थे। अब इसकी वजह से जो जान पहचान वाला जो था यहाँ पर लेमिनेशन वाला, तो उसने क्या किया कि उसको पता था कि N160 और N250 दोनों सेम ही डिज़ाइन में है, बस उनके इंजन में फ़र्क है। तो अगर मान लो पहली बार कोई यूज़र देखता है तो उसको वो डायरेक्ट ऐसे मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये N250 है या N160, वो सिर्फ स्टिकर देखा कि हाँ ये N250 है या फिर N160। तो उसने सेम जो यहाँ पर डिज़ाइन था जिस तरीके से स्टिकर का, वैसे डिज़ाइन कट करके उसने N250 बना दिया, और मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर N250 या N160, क्योंकि मैं बाइक जो है वो खुद ऑन करता हूँ, तो मेरे ख्याल में N160 है। और मैं यहाँ पर वीडियो में भी साफ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बाइक है वो N160 है, ना कि N250। तो ये कुछ जो है वो चार पांच मेजर जो चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन वो मैंने करवाए हैं इस बाइक के अंदर। बाकी यहाँ पर फालतू के झमेले मैंने नहीं किए हैं। अभी रिसेंटली जो है वो बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, अब बाकी को नहीं पता है पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, खड़ी बाइक के अंदर किसी ने वो जो पिकअप है वो ठोक दी थी, जिसकी वजह से जो ये दोनों शोकर जो है वो यहाँ पर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। और हाँ, उसके बाद में इसके अलावा जो हैंडल है वो भी यहाँ पर टेढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर रिसेंटली मैंने जो हैंडल है वो चेंज करवाया है, और जो शोकर वगैरह है उनको मैंने यहाँ पर रिपेयर करवाया है। और इसके अलावा यहाँ पर ये एक इसको केकड़ा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो प्रोजेक्टर है उसको पकड़ के रखता है, उस ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से लाइट है वो बिल्कुल नीचे चली गई थी। तो इतना कुछ यहाँ पर जो है वो नया डलवाया। इसके साथ में मैंने यहाँ पर ये पीछे जो नंबर प्लेट का जो सिस्टम था, जो कि इसके पीछे एक रबड़ का गार्ड रहता है, ये मैंने चेंज करवाया था, क्योंकि जब शुरू में इसका एक्सीडेंट हुआ था तब उस टाइम इसमें क्रैक आ गया था। तो ये शायद उस टाइम है वो उन्होंने सही नहीं किया, या फिर हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया, क्योंकि उतना इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट अब रिसेंटली जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तब ये थोड़ी ज़्यादा जो है वो हिलने लग गई थी, तो यहाँ पर 200-150 का ये आया था और मैंने ये लगवा लिया। तो ये कुछ जो है वो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करवाए हैं आफ्टर दिस एक्सीडेंट, और इतना कुछ जो है वो मैंने इसमें चेंजेस किए। बाकी हाँ, इसके अलावा जो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत जो आई है, या फिर जो जितने भी यूज़र्स हैं उनको जो इश्यूज़ है वो फेस करने पड़ रहे हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वो क्या कुछ है। वेल, जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है इसके अंदर इंजन लाइट्स रिलेटेड। अब ऑल दो लोगों को नहीं पता होगा कि इंजन लाइट्स रिलेटेड क्या इश्यू है, बट मैं यहाँ पर एक बार मेरे पास जो बाइक है उसमें दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो आप कई बार अपना मान लो इंजन किल स्विच है वो ऑन करके और सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप कई बार ऐसे बाइक रेस्पॉन्ड ही नहीं करती। बट अभी एक इंजन लाइट का इशू है वो मेरे वाले में है, मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप। जैसे बाइक मैंने स्टार्ट की तो यहाँ पर इंजन लाइट है वो आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके जो है वो इश्यूज आते हैं इसके अंदर। और अभी मेरे को पता है ये वाला जो इंजन लाइट है वो किसकी वजह से आई है। अब क्योंकि मेरे पास जो पहले जो एक रीज़न था वो ये था कि जब शुरू में बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम इसका जो डिस्क प्लेट है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, तो जब वो डिस्क प्लेट है वो थोड़ा मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से जो है ये वाला डिस्क प्लेट, तो ये वाला डिस्क प्लेट है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो जिसकी वजह से जो इसका जो सेंसर है स्पीड सेंसर वो आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता था, एंड उसकी वजह से जो है वो इंजन लाइट शो करने लगता था। बट अभी उसको मैंने चेंज करवाया था, चेंज करवाने के बाद में देखो मेरे को सच्चाई बताऊं तो स्पीड सेंसर रिलेटेड कोई इशू नहीं आया, बट अभी जो रिसेंटली मेरे को जो इंजन लाइट की दिक्कत आ रही है वो आ रही है इसके अंदर वोल्टेज लो की वजह से। क्योंकि जब भी कोई मतलब ये इंजन लाइट जो आती है उसके बाद में मैंने यहाँ पर OBD स्कैनर के थ्रू जो है वो चेक भी करवाया था कि क्या इश्यू है क्या नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने मेरे को साफ साफ बोला था कि इसके अंदर जो अभी वोल्टेज इशू दिखा रहा है, मतलब कि शायद बैटरी के अंदर दिक्कत है। बट जहाँ से मैंने इस बाइक की सर्विस करवाई है या फिर जितनी मैंने इसके अंदर कोई भी दिक्कत आई है, तो मैं जहाँ पर लेके गया हूँ वो जो मैकेनिक है वो डेफिनेटली थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो उसने मेरे को साफ साफ बता दिया कि बाइक के अंदर जो बैटरी है उसने मतलब पता नहीं किससे चेक किया था, किसी से चेक तो किया था, तो बैटरी के अंदर उतना दिक्कत नहीं है, बैटरी बिल्कुल ठीक है। बट उसने मेरे को ये सजेस्ट किया था कि शायद इसकी जो वायरिंग है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, तो उसको आराम से करना पड़ेगा, इनकी एक एक तार है वो अच्छे से चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक दिन छोड़ के आऊँगा। बाकी हाँ, उसके बाद मेरे को सचेस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो तीन दिक्कत आई है वो मैंने यहाँ पर बता दी। एक तो शुरू में जो मेरे को आई थी वो आई थी स्पीड सेंसर वाली, सेकंड जो मेरे पास यहाँ पर आई थी वो आई थी मेरे पास 3-in-1 TPS सेंसर, और थर्ड वाली जो अभी बैटरी लो वोल्टेज है उसकी वजह से मेरे पास आ रही है। तो ये जो तीन जो मतलब मेजर रीज़न थे जिसकी वजह से मेरे को इंजन लाइट है वो आने लग गई थी। इसके अलावा रिसेंटली जो मेरे को एक और इशू देखने को मिल रहा है वो है इसकी हीटिंग इशू। अब हीटिंग इशू भी मेरे ख्याल में जो रेडिएटर है उसकी वजह से आ रही है, क्योंकि सही से जो है वो ऑयल सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से जो है इंजन ज़्यादा जल्दी है वो ठंडा भी नहीं हो पाता। अब अगर मान लो मैं बाइक को अराउंड 90-95 के आसपास जो है वो मैं कंटिन्यूसली आधा या फिर एक घंटा चला लेता हूँ, तो बाइक के नीचे वाली जो लाइट है यानी इंजन लाइट के नीचे जो एक लाइट रहती है
ये वाली जो लाइट है इंजन लाइट के नीचे वाली लाइट, ये आती है जब भी मैं मतलब बाइक गर्म हो जाती है। तो ये मैंने तब फेस की थी जब मैं यहाँ पर काफ़ी मतलब 150 किलोमीटर है वो दूर गया था। उस टाइम जो बाइक है वो काफ़ी गर्म हो गई थी और मेरे को ये वाला इश्यू वो आ गया था। तो ये जो मेजर दो तीन प्रॉब्लम थी जो कि मैंने फेस की है, और काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जो कि ये भी फेस करते हैं कि आपका जो सेल्फ बटन है वो भी काम नहीं करता, या फिर आपकी जो सेल्फ मोटर है वो बस थोड़ा साउंड करती है और रुक जाती है। और इसके अलावा जो है वो इंजन लाइट वाली तो दिक्कत देखो काफ़ी सारे लोगों को आती है। तो बाकी हाँ सचेज मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये जो दिक्कत है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। बाकी हाँ एक बार अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई अच्छी सी बाइक देख लेना। बाकी हाँ मेरा अगर ओपिनियन बताऊँ तो आप पल्सर N160 की तरफ जा सकते हो, बट एक जो मुद्दे वाली बात है कि आपके पास एक अच्छा मैकेनिक होना चाहिए और अच्छा शोरूम होना चाहिए जो कि आपको अच्छा फीडबैक दे सके। सो हाँ ये था आज का वीडियो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू ही जो है वो आपके सवालों का जवाब है वो देने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप जैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।